भरत को भाव से राम निहारे, तुम सम भाई कौन प्यारे। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर भी योगा। कहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हें सुर मुनि शंकर अज। 14 वर्ष की ये प्रतीक्षा, तेरो भरत की कठिन परीक्षा। प्रभु तुम अवध राज के स्वामी, अंतर मन सुनो अंतर्यामी। चरण पादुका राम को दीनी, हर्षित मन रघुधारण कीनी। देवलोक से देखे विधाता, सकल शोभा के खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु बिलोकि हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब रघुपति मुख कमल बिलो कही, मंगल जान नयन जल रो कही। स्वयं तुमसे दूर नहीं रह सकता हनुमान, हनुमान के बिना राम परिवार अधूरा रह जाएगा। राम वचन सुनी पुलकित कब, तू नहीं रहोगे प्रेम सदैव मेरे साथ। नैना झर झर तुम्हारी मैंने पाई।
सबका संचार। Yeah.
प्रकट करूं कैसे व्यथा में मन की, अंतिम रैन है अपने मिलन की। लखन बताए रही रही लोचन भरी भरी जाए, सकल सुलक्षिणी रानी सीता है निर्दोष ये सती पुनीता। व्याकुल राम की व्यथा है ऐसी पुरलोचन। राज कार्य के कारण भैया थक गए होंगे, विश्राम कर रहे होंगे, इसलिए हमारी पुकार सुन नहीं पा रहे। चलिए भाभी। प्रकट करूं कैसे व्यथा में मन की, समझे ना कछु जनक नंदिनी। विधना का ये खेल है कैसा, विवश न हो कोई राम के जैसा।
शत्रुघ्न लक्ष्मण
कुछ बीत जब दशरथ किए विचार, राज तिलक करूं राम का रीति नीति अनुसार। मंथरानी तब की कुटिलाई, कई कई कीमत भ्रम करवाई, भवन को मांग लिए तो दिए वचन को। राज तिलक करो भरत लाल की, आज्ञा राम को देश निकाल की। देख के कई काय रूपा, भूमि गिरे ये वचन सुनी भूपा। सुनी वचन पितु मात के, कारण ही राजा राम ने अपनी पत्नी देवी सीता का परित्याग कर दिया। ये वही देवी सीता हैं जो वनवास के समय ये वैभव, ये सुख दुख का आनंद छोड़कर राजा राम के साथ वन को चली गई। प्रत्येक सुख दुख में राजा राम का साथ देने के लिए इन्होंने सदैव संपूर्ण अयोध्या का परित्याग कर दिया। गौरी, आज मेरे दोनों पुत्र अपने पिता रघुनंदन से मिलने गए हैं। पिता पुत्र का मिलन शुभ हो माता। अपने पुत्रों से कहीं उनके पिता आहत ना हो, सब कुछ शुभ हो माता।
सच की रेखा उचित अवसर रावण देखा। ब्राह्मण बन के की चतुराई, भूख प्यास की व्यथा सुनाई। कोमल सरल सिया नहीं जानी, रावण काजल नहीं पहचानी। रेखा लांगी धर्म में पढ़कर ले चला रावण रूप बदल कर। रोए सिया सती बहु अकुलाई, कहा हो आओ हे रघुराई। कोई सिया का नहीं सहायक, ले गए लंका लंका नायक। सोने की लंका सिया, त्याग के रखनी जवान। अशोक वाटिका में रही, बचा के स्वाभिमान। ऋषि कुमारों, मैं अयोध्या के राजभवन से आया। आप दोनों को माता कौशल्या ने राजभवन में ससम्मान आमंत्रित किया है। आइए। हे मेरे विधाता, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने बिना सोचे समझे माता सीता के चरित्र पर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। माता सीता जिनका चरित्र भूमि की तरह पूजनीय है, अनुकरणीय है, दिशाओं के समान मंगलदायी है, गंगा की तरह पवित्र है, उस सीता माता पर मैंने इतना बड़ा लांछन लगा दिया। हे माता गौरी, पता नहीं पिता पुत्र का मिलन हुआ या नहीं, उनकी रक्षा करना माता। उत्तर लज्जाहीन चला दशकंधर, निशाचरी सब लगी डराने, परंतु सीता हार न माने। पहुंची कपिलन का तभी सिया का पता पाए। इंद्रजीत को लखन संहारे, कुंभकर्ण को रघुवर मारे। लंकापति तब रावण आया, राम ने उस पर धनुष चलाया। रहस्य मृत्यु का बताए विभीषण, राम चलाए बाण कुतक क्षण। धरती गिरा तब आए दशानन, लंकापति कहलाए विभीषण। सती सम्मुख राम के आई है,
चित मिले राम सिया लक्ष्मण। अब हम माता सीता के भी दर्शन करना चाहते हैं। हम माता सीता से मिलना चाहते हैं, क्या वो यहाँ उपस्थित हैं? बताइए ना, कहाँ है माता सीता? सीता से मिलना चाहते हैं, क्या वो यहाँ उपस्थित हैं? प्रसन्नता है मुख पर अंकित, देवी समान ये जनक सुताए, सिया सखी बन झूला झूलाए। मगन भई है सारी बहने,
चले रघुराई सियालिया बने अवधपुरी की शोभा बढ़ाने। राजमहल सोना बिन सीता बारह वर्ष है युग सम बीता। तिल तिल पग धारे रघुराई नियति क्या सम्मुख ले आई। राम के मन की राम ही जाने करूं व्यथाया कौन बखाने। मैं राजा राम नहीं क्यों रावण के सानिध्य में रहने के बाद भी अपनी पत्नी को सहर स्वीकार कर रहे उसे रघुवंश के सिंहासन पर बिठाया। दोषी मैं हूँ सिया तुम्हारा अंतर मन ने मोह धिकारा। ग्लानि करुण में परिवर्तित है राम सिया का प्रेम मिट है। अयोध्या नरेश मेरे पुत्रों से अज्ञानवश कोई भूल हो गई उन्हें अबोध बालक समझ कर और अपमान के योग्य हूँ बस्ती अपेक्षा के योग्य हूँ। प्रेम कहे चलू संग तिहारी स्वाभिमान रोके मन मारी। लगे भारी बिन सम्मान ना जनक दुलारी। त्याग सकूना निज सम्माना क्षमा करो मोहे भगवान। प्रकट करूं कैसे व्यथा में मन की अंतिम रैन है अपने मिलन की।
समाज ने मेरे चरित्र पर संदेह किया, जिस समाज ने मुझ पर लांछन लगा, अब उस समाज में मेरा पुनः लौटना संभव नहीं। इसलिए आज मैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश को साक्षी मानकर ये सौगंध खाती हूँ। जिस धरती माँ की कोख से मेरा जन्म हुआ, जिस वसुधा के कारण वसुधा कुमारी का अस्तित्व है, आज मैं भूमि जा सदा सदा के लिए उसी धरती माँ की कोख में चली जाऊंगी। नहीं सीता, सीता, सीते, आप मुझे कोई भी दंड दे दीजिए, मुझे सब स्वीकार है। यह नक मत करिए सीते, आपका वियोग आपका आराम सहन नहीं कर पाएगा। सीते, ये नक मत कीजिए। हे धरती माता, यदि मैंने सदैव एक मर्यादित स्त्री का जीवन जिया है, यदि मैंने सदैव एक आदर्श पुत्री के धन का पालन किया है, यदि मैंने सदैव अपने प्रत्येक धर्म का पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह किया है, तो हे जगत जननी माता वसुंधरा, अपनी पुत्री को अपनी शरण में ले लीजिए। नहीं भाभी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अब वो समय आ गया है माता, मेरा आवाज स्वीकार कीजिए। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए माता।
रामचंद्र जी की आज्ञा सुनो। है रंग लाया नर नारी का भेद हटाया। नर नारी भय एक समाना, होए नाब स्त्री अपमाना। बीते समय चक्र की छाया, नियति दिखाए अपनी माया। माताएं सुख देख के सारे, देह त्याग गई स्वर्ग के द्वारे। बीता समय वह अवसर आया, देख राम सुत मन हर्षाया। राज तिलक की करी तैयारी, सुखी अवध के सब नर नारी। लव कुश का अभिषेक कराए, स्वर्ण मुकुट निज है पहनाए। अब रघुकुल के लव कुश राजा, धर्म पूर्वक करी है काजा। लक्ष्मण राम के प्राण समाना, पर आवश्यक धर्म निभाना। ऐसी परीक्षा राम ने दीनी, त्याग लखन सब सिद्ध कर दीनी। शेषनाग लक्ष्मण अवतारा, आज सजल है सागर धारा। चला अवध से राम का प्यारा, अखियन से बहे अविरल धारा। हमारे पितु समदाता, मोहे उरीण करो हेता।
जन्म लेना प्रत्येक देवता का स्वप्न होता है। इस संसार में मनुष्य जाति अपने कर्मों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मनुष्य जीवन अपने पुरुषार्थों पर आधारित होता है, इसीलिए हमें हमारे जीवन में सदैव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मन, कर्म और वाणी से कभी किसी का अहित नहीं होना चाहिए। हमें हमारे जीवन को मानवता, बंधुत्व और प्रेम से अभिसिंचित करना चाहिए और यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। रघुकुल के पूर्वजों ने सदैव अपने तन, मन और प्राणों से रघुकुल की सेवा की है, अपनी प्रजा की सेवा की है, तब रघुकुल का उज्जवल भविष्य तुम दोनों के कंधों पर है। राजधर्म को सदैव अपना सौभाग्य मानना और निष्ठापूर्वक अपनी प्रजा की सेवा करना, यही अब से तुम दोनों के जीवन का परम उद्देश्य होगा। सबको धर्म सिखाने वाले मर्यादा को निभाने वाले छोड़े अवध को अवध के स्वामी श्री नारायण अंतर्यामी कर राम से बन कर के श्री रामा चले अवधपति अपने धामा मानव रूप का अब विश्राम है हरि का धाम तो परम धाम है मनुष्य जीवन का उद्देश्य अपने दायित्वों की पूर्ति करना होता है और मैंने इस संसार में अपने संपूर्ण दायित्व पूर्ण कर लिए हैं, किंतु आप सबके दायित्व अभी पूर्ण होने शेष हैं और उन्हें पूर्ण किए बिना इस संसार से जाना उचित नहीं होगा। इस संसार में मनुष्य का कर्तव्य विहीन जीवन
असफल माना जाता है और यदि अयोध्या की प्रजा भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगी तो मुझे अत्यंत कष्ट होगा। इससे पहले कि मेरा मुंह आप सभी को कर्तव्य विमुख कर दे, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए और यहां रहते हो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करिए और मुझे प्रस्थान की अनुमति दीजिए। जगदीश्वर राम भगवाना। अब मुझे आज्ञा दें। अवध के जन के नेत्र सजल है, सिहर उठाए सरयू जल है। हे विधना कुछ करो पाई, रोक लो राम को अवध में आई। सुतलब कुश यार गुरु वशिष्ठ, छल के प्रेम सुधा बन निष्ठा। भाव विभोर है सारे परिजन, राम वियोग में रोवे क्षण क्षण। ऐसी छवि जगत में ना है, राम रंग जन अंग समाही। जीवन में जीवन की भाषा, मानवता की तुम परिभाषा। धर्म कर्म अवतार चले हैं, सबके पालनहार चले हैं।
श्री प्रतीक्षा कर रही थी। आइए धाम की ओर प्रस्थान करें।
हमारे संसार के प्राणियों में धर्म के प्रति आस्था और सत्य के प्रति निष्ठा को बनाए रखना होगा। इस संसार में अब से यही तुम्हारा मूल उद्देश्य होगा हनुमान। श्रीराम की अनन्य प्रजा को प्रभु वियोग के महान दुख से उबारना होगा। शांत हो जाइए श्री राम के भक्त। शांत हो जाइए अयोध्या वासियों, शांत हो जाइए। इस समस्त घटना चक्र का कारण मैं हूं। मेरी संकीर्ण मानसिकता और दूषित विचार के कारण ये सब हुआ। इसका दंड मुझे मिलना चाहिए था। मुझे माता सीता और प्रभु राम ने मुझे क्षमा कर दिया और वे स्वयं ये संसार छोड़कर चले गए। मैं शांत रहूं तो कैसे? माता सीता और प्रभु राम के विरह को सहन करूं तो कैसे? पर प्रभु श्री राम और माता सीता किसी को छोड़कर नहीं गए हैं बता। वो तो सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करते। यह तो हमारे हृदय की संकीर्णता है भद्रा। जो प्रभु श्री राम और माता सीता को अपने समीप ना पाकर व्यतीत हो जाते, किंतु प्रभु श्री राम और माता सीता की माया का मर्म कुछ दूसरा ही है। वह मात्र हमारे हृदय में ही नहीं अपितु संसार के सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। यदि हम उनके दर्शन करना चाहते तो सृष्टि के प्रत्येक कण कण में वो दिखाई देंगे। संपूर्ण जगत सिया राम के मंगल रूप में अनादि काल से विहार कर रहा है और आगे भी अनादि काल तक विहार करता रहेगा। यदि अब भी आप सबको विश्वास नहीं है कि वह हमारे साथ है तो मैं आप सबको उनके दर्शन कराऊंगा। जहाँ भजई मन वहीं मिले श्री प्रभु रघुनायक भक्त हित। कण कण में दर्शन पाई हो क्षण प्रतिक्षण साजे। जय श्री राम जय जय वैदेही निरखे प्रजा अति रूप स।
सने जिनके हृदय प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास का भाव निरंतर बना रहेगा, उनके हृदय में सदैव बसेंगे सिया राम सिया राम सिया राम। चन यही लाभ
शंकर जाना विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मागऊ बरहाना पद कमल पराग रस अनुरागा मम मन मधुर